हेलो एवरीवन, आई एम पॉज फॉर क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के रिजल्ट के बारे में कि सीटेट का रिजल्ट जो है इतना बुरा क्यों आया है, राइट। जैसे कि आप लोग जानते होंगे सीटेट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है, ओके। बट आप ये नहीं जानते होंगे कितने लोगों ने अप्लाई किया था, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और कितने लोग पास हुए, ओके। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उसके एग्जैक्ट डेटाज क्या हैं। अगर हम पेपर वन की बात करें तो 17 लाख बच्चों ने 17,04,282 बच्चे ने रजिस्टर किया था एग्ज़ाम देने के लिए, फॉर्म फिल किया था, ओके। उसमें से 14,22,960 बच्चों ने अपियर किया एग्ज़ाम, मतलब समझ लीजिए राउंड फिगर 3 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, ओके। कोई भी रीज़न हो सकता है एग्ज़ाम नहीं देने का, बट दिए कितने, 14,22,960 बच्चों ने। उसमें से कितने बच्चे पास हुए हैं क्या आप जानते हैं? पेपर वन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सिर्फ 5,80,844, ठीक है, 5,80,844 बच्चे सिर्फ पास हुए हैं, मतलब कि राउंड फिगर की बात अगर हम करें तो 9 लाख बच्चे फेल हुए हैं। सोचिए पेपर वन की एग्ज़ाम तो कितनी इजी आती है, ऐसी फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ना है तो भी इतना गंदा परफॉर्मेंस है, इतना गंदा रिजल्ट आया है। उसके पीछे का रीज़न क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पेपर टू की क्या कंडीशन थी, ओके। पेपर टू की कंडीशन इससे भी बेकार थी। अगर मैं आपके बात करूँ रजिस्टर को लेकर तो 15 लाख, ओके, 39,464 बच्चों ने ये एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया कि हमें एग्ज़ाम देनी है, ओके। किसी कारणवश सिर्फ 12,76,071 बच्चों ने ये एग्ज़ाम को दी, ओके। इसमें से 3 लाख राउंड फिगर अगर बात करें तो 3 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम नहीं दी, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, जितने उन्होंने दी उसकी बात करते हैं। 15 लाख ने अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख ने रजिस्टर किया, 12 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। पास कितने हुए हैं क्या आप जानते हैं? बहुत ही सोचने वाली बात है कि सिर्फ 3,76,025 बच्चे पास हुए हैं, सिर्फ 3,76,000। मतलब अगर उसको राउंड फिगर कर लीजिए 4 लाख कर लीजिए तो भी कितने सारे बच्चे फेल हैं, राइट। 8 लाख बच्चे फेल हैं इसके अंदर, 9 लाख बच्चे फेल हैं इसमें भी और उसमें भी 9 लाख। सोचिए आप कितनी बुरी कंडीशन है, क्यों, क्या आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं? ऐसा तो है नहीं, सारे बच्चे अपने 100% देते हैं, तो रीज़न क्या है इसके पीछे का, अब ये जानते हैं पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए। रीज़न क्या था, इस बार का पेपर जो था उसका लेवल थोड़ा हाई आया था, ओके। पेपर का लेवल हाई आने की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज्ड हो गए, जो कैंडिडेट्स थे वो कंफ्यूज हो गए, आंसर को गलत करके आए। कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते होंगे कि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से नहीं हुई होगी जितने अच्छे से आपको करनी चाहिए थी, ओके। तो ये तो रीज़न जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग ये कि आपने लास्ट में फॉर्म भरा होगा, चलो हो जाएगा करके, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फर्स्ट अटैम्प्ट को इसलिए देने जाते हैं ताकि उनको पता चले पेपर कैसा आता है। सबसे बड़ी गलती हम यहाँ करते हैं, हमें हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम को ही लास्ट एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करना चाहिए ताकि हम पास हो पाए, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम में नहीं पास होते हैं सेकेंड टाइम पर तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने के लिए। तो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि एग्ज़ाम को एकदम टेक इट ईजी ले लेते हैं, ओके, सीरियस नहीं लेते हैं, इसीलिए हमें इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। सिर्फ 3 लाख बच्चे पास हैं, 5 लाख बच्चे पास हैं और अप्लाई करते हैं 12,14,000 बच्चे, और आधे बच्चे भी, मतलब परसेंटेज आधा भी नहीं आता सीटेट का, सोचिए। तो पेपर वन का तो हम प्रिपरेशन करेंगे ही इस चैनल पे, साथ ही में पेपर टू सोशल साइंस के लिए मैं एक नया ऐड कर रही हूँ जो कि है वर्ड टू वर्ड आपको लर्न करना है, क्योंकि सीटेट में जो पेपर्स सोशल साइंस का जो पेपर आता है ना वो टेक्स्ट बुक में भी चैप्टर के अंदर से आता है। कोई भी उनको लाइन अच्छा लगता है ना वो लाइन वो लोग उसमें लिख लेते हैं, कोई भी उनको लाइन अच्छा लगे ना उठा लेंगे उसमें डाल देंगे, ओके।
मैं चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन को पैराग्राफ वाइज लिखूंगी, उसको हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। तो अगर आप सोशल साइंस के बच्चे हैं और पास होना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिले। ओके, अब मेरी 100% यही कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लाइन है उसको मैं लिख कर एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपके लिए अच्छा हो और जो रिजल्ट इतना गंदा आया है पेपर 2 का वो नेक्स्ट टाइम ना आए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।